रायपुर से 1000 करोड़ घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने रेरा के अध्यक्ष विवेक धान की याचिका पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने यह सीबीआई जांच को आदेश दिए हैं। समाज कल्याण विभाग में घोटाले का यह पूरा मामला है। 1000 करोड़ घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर यह रोक लगाई है। रेरा के अध्यक्ष विवेक धाड़ ने ये रोक लगाई। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच टीम को यह आदेश दिया है। समाज कल्याण विभाग में घोटाले का यह पूरा मामला है। बता दें 1000 करोड़ का यह मामला है। घोटाले की सीबीआई जांच कर रही थी जिस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। रेरा के अध्यक्ष विवेक ने रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। 1000 करोड़ घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगाई है। रायपुर से खबर, रेरा के अध्यक्ष विवेक ने लगाई थी याचिका। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। समाज कल्याण विभाग में घोटाले का ये पूरा मामला है जिसमें जांच चल रही थी और 1000 करोड़ का यह घोटाला था। सीबीआई जांच ने इस पर रोक लगा दी है। अधिक जानकारी के लिए रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। रुपेश, आखिर क्या कुछ वजह रही जो एकदम से रोक लगा दी गई है जांच पर? देखिए, जो 1000 करोड़ का घोटाला था समाज कल्याण विभाग से, उसको मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद तमाम अधिकारियों ने याचिका लगा करके इसका पुनर्विचार की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। और ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ। जो रेरा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव विवेक धाड़ ने याचिका लगाई थी, जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। तो ये राहत की खबर है। करीब एक दर्जन जो अधिकारी इसमें शामिल थे, बड़े अधिकारी जिनके ऊपर जांच के निर्देश दिए गए थे, और सीबीआई ने जांच शुरू कर दी थी। और ये भी है कि डीजीपी जो है सीबीआई के, उनके नेतृत्व में 15 दिन तक रहने था सीबीआई को, और दस्तावेजों को खंगालने के काम में जुटी हुई थी। और इसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। तो जाहिर तौर पर सीबीआई को एक झटका लगा है, लेकिन अब देखना है कि इसमें आगे की कार्रवाई क्या होती है, कोर्ट आगे क्या आदेश देता है, ये रोक कब तक के लिए है। चलिए, बहुत शुक्रिया रुपेश जानकारी को साझा करने के लिए।